नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 जनवरी को होगा, जिसमें राज्यपाल लालजी टंडन उपस्थित होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही सलाहकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार मनोज कुमार पटीरिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंत्री खेल और युवा कल्याण उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश जीतू पटवारी समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के शंभुनाथ सभागार में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान 72 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसमें से 59 मेडल छात्राएं और 13 मेडल छात्रों को दिए जाएंगे। कुलपति पीयूष रंजन ने बताया कि 135 पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई हैं, जिनमें से 27 शोध विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएंगी। स्मृति मेडल कुलपति अपने हाथों से देंगे और एम्फिल मेडल उच्च शिक्षा मंत्री देंगे, अन्य मेडल वो स्वयं देंगे। कार्यक्रम ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा, जो करीब 1 बजे तक चलेगा। दीक्षांत समारोह कल संपन्न होने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता हमारे कुलाधिपति महोदय राज्यपाल महोदय श्री लालजी टंडन साहब करेंगे। और खुशी की बात है कि मुझे माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री जीतू पटवारी जी की भी कंसेंट मिली है, वो भी साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है कि वो सुबह भोपाल से चल के एक ही एयरक्राफ्ट से आएंगे दोनों, और एयर स्ट्रिप से सीधे गेस्ट हाउस आएंगे, अतिथि गृह आएंगे, और कॉन्वोकेशन की जो भी पोशाक है प्रिस्क्राइब हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी से पूरे स्टेट की, उसको गणवेश में वो वहां पर एकेडमिक प्रोसेशन में सम्मिलित होंगे। एकेडमिक प्रोसेशन वहां से निकल करके ठीक 11 बजे एसएन शुक्ला ऑडिटोरियम में आ जाएगा, जिसमें ये कार्यवाही अधिवेशन की प्रारंभ होगी। लगभग 1.5 बजे तक का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के संबंध में हम लोग 3 पब्लिकेशंस करने जा रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष की थी। पब्लिकेशन में एक हमारा विंध्य रीजन का एक पब्लिकेशन है, मैगजीन है विंध्य भारती, उसको भी हम लोग रिलीज करेंगे। दीक्षा पर एक दीक्षा पर्व जो इस अवसर पे पूरे प्रोफाइल लेकर के ब्रीटिंग्स के साथ प्रोग्राम्स के साथ हम दीक्षा पर्व करेंगे रिलीज। और एक यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल है, जिसमें हमारी जो एकेडमिक लाइफ है, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम लोग अपडेट करके इन 3 रिलीज को करेंगे। और माननीय कुलाधिपति महोदय से मैंने रिक्वेस्ट की कि उसको रिलीज करें। इसके अलावा हम लोगों ने पीएचडी स्कॉलर्स से कहा है कि वो भी इसमें सम्मिलित हों, उनको डिग्री देने के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है। 27 ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनरोल किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन्हें डिग्रीज मिलती है पीएचडी डिग्रीज को, उनको कॉन्वोकेशन में आने के लिए अपने को रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि उनके बैठे उठने की व्यवस्था करें, उनके गणवेश की व्यवस्था करें। तो 27 पीएचडी धारकों ने अपना रजिस्टर किया है, कुल 135 पीएचडी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।